हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। फ्रेंड्स, ये ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया तो मान के चलिए कि आप अपने एग्ज़ाम में कम से कम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे। ये उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय से हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह से याद करें, कैसे दिमाग में सेट हो जाए ये डेटा, मैं आपको बहुत ही इजी मोड में समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय की बात करें तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि इसकी राजधानी लखनऊ है और इसकी न्यायिक राजधानी यानी जुडिशियल कैपिटल प्रयाग है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आपको चार चीज़ें याद रखनी मैंडेटरी हैं। पहला, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, इसकी राजधानी लखनऊ है, जबकि इसका जुडिशियल कैपिटल प्रयाग है। आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ पर याद हो गया हो अच्छी तरह से। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर इसका भौगोलिक विस्तार की बात करें, यानी कि इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री, अगर इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट से समझने का प्रयास करें तो देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश का लैटिट्यूडनल यानी कि अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यानी कह रहा है कि 30 डिग्री 24 मिनट से आपका 23 डिग्री 52 मिनट के बीच में ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश स्थित है। जबकि इसका लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट कह रहा है 77 डिग्री 5 मिनट से आपका 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इसी के बीच में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश स्थित है। नोट कर लीजिए, रट जाइए इस पॉइंट को, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट को ध्यान समझिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरब से पश्चिम यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई कह रहा 650 किलोमीटर है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। जबकि कह रहा उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कह रहा है 240 किलोमीटर है। यानी इसी रेंज में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है। जबकि उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्यों से टच करती हैं। आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट, आपको दो चीज़ें रखनी है। 650 किलोमीटर लंबा है, अगर चौड़ाई की बात करें 240 किलोमीटर चौड़ा है, 9 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री टच करती है। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए फ्रेंड, चौथा पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यानी इसका टोटल एरिया 243,286 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी यहाँ पे ये डायमेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो आंसर देना 243,286 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। परसेंटेज की बात करें तो इसका टोटल परसेंट है 7.33%। आपको ये दो डायमेंशन अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगर फ्रेंड्स हम चौथे पॉइंट की बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चौथा पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चारों तरफ 9 राज्य जिसमें एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसको मिलाकर 9 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से टच करती हैं। मैं फ्रेंड्स बार बार रिपीट कर रहा हूं, 9 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश है और 8 ही राज्य हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं।
अगर हम इसके राज्यों की बात करें तो यहाँ देखिए उत्तराखंड, उत्तर में उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, साथ साथ में ये देखिए हरियाणा, साथ साथ में देखिए दिल्ली, ये रहा आपका राजस्थान, ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ये रहा आपका झारखंड और ये रहा आपका बिहार। बिहार जो है उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयरिंग करता है। ये ऐसे राज्य हैं जिसके चारों तरफ राज्यों का विस्तार है और बीच में उत्तर प्रदेश है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने केंद्र शासित और राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं। फ्रेंड्स 9 आंसर आपको टिक कर देना है, यानी यहाँ पे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा, राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयाग। आई होप आपने नोट कर लिया हो। अगर हम लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल की बात करें, स्टेटमेंट में पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। आई होप क्लियर हो गया हो। 650 किलोमीटर लंबा, 240 किलोमीटर चौड़ा, 9 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। क्षेत्रफल है 243,286 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है 7.33% यानी पूरे देश का। 9 राज्यों में यहाँ पर मैंने आपको बताया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यहाँ तक आपको नोट करना है और इसको रट जाना है। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देख समझते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ टच करती है। फ्रेंड्स देखिए ये रहा आपका नेपाल। नेपाल ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 579 यानी 579 किलोमीटर की है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। पहला महाराजगंज, दूसरा सिद्धार्थनगर, तीसरा बलरामपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, छठा लखीमपुर, सातवा पीलीभीत। अगर चित्र की बात करें तो चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए चित्र के अकॉर्डिंग ये रहा आपका महाराजगंज, ये रहा आपका सिद्धार्थनगर, ये रहा फ्रेंड्स आपका बलरामपुर, ये रहा फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर श्रावस्ती दिया हुआ है येलो कलर में, ये रहा आपका बहराइच देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, साथ साथ में यहाँ पे ये रहा आपका लखीमपुर खीरी और ये रहा फ्रेंड्स पीलीभीत। ये ऐसे 7 राज्य हैं, माई मिस्टेक, ऐसे 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। इस डायमेंशन को अच्छी तरह से आपको याद करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल की 579 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। नाम ये रहा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। आई होप क्लियर हो गया हो। इतने डायमेंशन को आपको याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। इसमें इसका पूर्वी जिला बलिया है, बलिया इसका सबसे पूर्वी जिला है। साथ साथ में इसका पश्चिमी जिला जो सबसे वेस्टर्न साइड में वो है शामली है। फ्रेंड्स शामली सबसे पश्चिमी जिला है। फ्रेंड्स इसका उत्तरी जिला की बात करें तो सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसका उत्तरी जिला सहारनपुर और साथ साथ में दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और जबकि सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ बनती है। फ्रेंड्स ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश और ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री और हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी बाउंड्री उत्तर प्रदेश बनाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन से जिले किस राज्य के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इनको रटना है, समझना है। मेरी बात माने तो आप चित्र के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के साथ सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका सहारनपुर, सहारनपुर ये रहा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयरिंग करता है, ये रहा आपका बिजनौर। देखिए यहाँ पर ध्यान से, सहारनपुर के बाद है आपका बिजनौर, बिजनौर के साथ साथ देखिए बीच में एक मुजफ्फरनगर भी है, यानी ये तीन डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, पहला सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर। बिजनौर के बाद फ्रेंड्स देखिए, ये रहा आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद ये रहा रामपुर, रामपुर के बाद ये रहा बरेली, बरेली के बाद ये रहा आपका पीलीभीत। फ्रेंड्स, ये जितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं, इसी अकॉर्डिंग आपको सारे डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करना है। चलिए देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर बाउंड्री बनाता है, हरियाणा की बात करें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। दिल्ली NCR के साथ दो डिस्ट्रिक्ट है, पहला गाजियाबाद और दूसरा नोएडा। राजस्थान की बात करें तो आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के दो ऐसे ज़िले हैं जो सीधे सीधे राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़िले मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा लंबा बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है MP और इधर है आपका उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जिसे प्रयाग कहते हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। बिहार की बात करें तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये भी बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पे समझने वाली बात है कि सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ बाउंड्री को शेयरिंग करता है। आई होप फ्रेंड्स कि अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो, इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट करिए पहले और मैप के थ्रू याद करने का प्रयास करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा। फ्रेंड्स, अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो चार डिसेंडिंग ऑर्डर में रट जाइए। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, उससे छोटा है सोनभद्र, फिर है हरदोई, फिर है सीतापुर, ये चार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, 75, जिसमें चार मैंने आपको बताया, पहला लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र उससे छोटा है, उससे छोटा हरदोई और उससे छोटा सीतापुर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिलों की बात करें तो इसमें सबसे छोटा जिला है हापुड़, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है हापुड़। उससे बड़ा जिला है गाजियाबाद, उससे बड़ा है संत रविदास नगर जिसे भदोही कहते हैं, और उससे बड़ा है शामली। फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, अगर दो चीज़ें यहाँ पर याद कर लें आप, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़ है, अतः ये दो पॉइंट भी अगर आपको याद रह गया तो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पे अच्छी तरह से डायमेंशन क्लियर हुआ हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको भौगोलिक परिचय जो मैंने आपका उत्तर प्रदेश का दिया उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, ध्यान से इसको करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा।
अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। कहेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। चार ऑप्शन है, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र। आप उत्तर देने का पहले प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आंसर इसका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से टच नहीं करती, बल्कि राजस्थान, हरियाणा और बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश से टच करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। चार ऑप्शन है, 243,290, 243,286, 243,345, 243,567। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बी है, पीछे करा चुका हूं। 243,286 वर्ग किलोमीटर टोटल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए दो क्वेश्चन और बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा बनाता है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयरिंग करता है। ए बलिया, बी सोनभद्र, सी मिर्जापुर और डी पीलीभीत। फ्रेंड्स बताएं कौन सा उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयरिंग करता है। यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए गाइस, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी है, पीलीभीत। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है जो नेपाल के साथ बाउंड्री को शेयरिंग करता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। चार ऑप्शन है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, आंसर है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, जबकि सबसे छोटा जिला हापुड़ है। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो मैंने आपको वीडियो दिया इससे आपने बहुत कुछ सीखा हो। फ्रेंड्स मेरा अगला जो वीडियो होगा उत्तर प्रदेश पर, वो नदियाँ और झीलें होंगी, यानी उत्तर प्रदेश की कौन सी फेमस नदियाँ हैं और कौन सी झीलें याद करके जाएं, ये मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।